नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सी हेल्थ में और मैं हूं आपके साथ इंदु शर्मा। दर्शकों, हर बार की तरह एक बार फिर हाजिर हैं हम लेके हमारा खास प्रोग्राम सी हेल्थ, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। आइए सबसे पहले हम आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक मित्तल जी, जो कि एक ENT स्पेशलिस्ट हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सी हेल्थ में। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे सर, पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आप एक ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो कौन कौन सी आजकल मौसम के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं मरीजों में? देखिए, इस समय जो मौसम बदला हुआ है, ठंडा और गर्म दोनों मौसम बदल रहे हैं जी। इस समय ज़्यादातर मरीज गले की बीमारी के और नाक की बीमारी के ज़्यादा आ रहे हैं। नाक में जैसे नाक का बहना, जुकाम, सर्दी और गले में खराश, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। और ये नॉर्मली जब स्प्रिंग सीजन होता है, जैसा कि अभी मार्च फरवरी और मार्च, उधर ले लें हम अगस्त और सितंबर, उसमें इस तरह का बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती हैं जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने हमें बताया कि नाक, गले और नाक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जा रही हैं। अगर हम यहाँ नाक की बात करते हैं तो वो हमें कौन सी जो माइनर्स प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हमें देखने को मिलती हैं? नाक का बहना, नाक में सर्दी, जुकाम, इस तरह के सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं। अतः हर घर में बुखार, इसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण ऐसा पॉसिबल है। और वायरल इन्फेक्शन के कारण सबसे पहले गले का खराब, थोड़ा सा गला खराब रहता है, ठंडा गर्म ज़्यादा पानी पीने से ऐसा होता है। उसके बाद हल्का सा नाक का बहना, उसके बाद हल्का सा बुखार, ये एक पूरी साइकिल है 3-4 दिन की, जिसमें कि और ये इन्फेक्शन होती है परिवार में, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में, इस तरह से परिवार के सारे सदस्य इससे सफर रहते हैं। मतलब जल्दी इससे दूसरों को इन्फेक्शन लग सकता है। हाँ। तो इसमें प्रिकॉशंस का ध्यान में कैसे रखना चाहिए? इसमें जैसे कि रातें ठंडी हो रही हैं तो रात को हमें बहुत ज़्यादा पंखा चलाकर या बहुत ज़्यादा बिना चादर के नहीं सोना चाहिए। पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इसका अवॉइड करना चाहिए। और हमें आपस के झूठा पानी या छींकते वक्त मुँह पर हाथ रख के छींकना चाहिए, जिससे कि मुँह के जो वायरस हैं, जो नाक के वायरस हैं, वो ज़्यादा स्प्रेड ना करें। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हमें हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को उन चीजों से बचाना चाहिए, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है। रात भी सर ने सही कहा कि रातों को ठंड बढ़ जाती है, उसमें हमें और बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि उसमें हम समझ नहीं पाते कि हमें ठंडा पानी पहले पीना चाहिए या गर्म पानी, उस हिसाब से हम कन्फ्यूज रहते हैं और कहीं ना कहीं वो बीमारियां जो है वो हमें अपनी जल्दी चपेट में ले लेती है। जैसा कि आपने बताया कि हमें नाक पे ऐसे ब्लड आना ये शुरू हो जाती, क्या इन सब चीजों का जो ज्यादा गर्मी जो पड़ती कहते हैं उसका भी उन पर प्रभाव ज्यादा रहता है? गर्मी की वजह भी नाक का बहना एक कॉमन सी बात है। नहीं, गर्मी में नाक का बहने से ज्यादा नाक में ब्लड आने का ज्यादा सिम्टम मिलते हैं। गर्मी में नाक की जो खाल है थोड़ी सी क्रस्टिंग हो जाती है, जब हम उसमें उसे निकालने की कोशिश करते हैं या उसे साफ करने की कोशिश करते हैं तो हल्का सा ब्लड या नाक से आने लगता है जी। ये भी बहुत कॉमन बच्चों में देखा जाता है। तो अगर इसमें हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो कितने दिन में हम इसको कवर अप कर सकते हैं? देखिए, नाक में जो बहने की बात आ रही है, जो जुकाम की बात आ रही है, नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन 6-7 दिन में ठीक हो जाता है। हल्की बुखार से, अगर आप बुखार की हल्की सी पैरासीटामोल या ऐसी कोई दवाई लें तो उससे कवर हो जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यू कर रहा है तो उस समय आपको किसी चिकित्सक को दिखाने की जरूरत पड़ती है। बात रही नाक के खून आने की, जैसा कि जुकाम के मौसम में या गर्मियों के मौसम में खून आता है, उसमें हम बच्चों से कहते हैं कि आप नाक में उंगली ना डालें। अगर नाक में हल्का चिकनाई, गोले का तेल, देसी घी, वो नाक में लगा सकते हैं बच्चों के, क्योंकि विशेष रूप से देखा जाता है कि बच्चों को इतना ध्यान नहीं रहता कि उनको अपने अपने को कैसे हाइजीन मतलब एकदम साफ रखना चाहिए, इसलिए उनको विशेष रूप से बताया जाता है कि इस तरीके से वो अपना ध्यान रख सकते हैं। सर, जैसा कि आपने हमें बताया थी, अगर हम यहाँ बात करते हैं जैसे और कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल्स देखी जा सकती हैं नाक से रिलेटेड, अगर हम बात करें तो? देखिए, नाक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, हर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। मतलब ये एज के अकॉर्डिंग चलती है? एज के अकॉर्डिंग चलती है। बच्चों में जैसे हम कॉमन बात करें तो बच्चों में नाक का बहना, बच्चों में स्मेल ना आना, टॉन्सिल, एडेनोइड, नाक में जो बलगम निकलता रहता है तो नाक के सीक्रेशन गले में ना जाकर बाहर निकलने लगते हैं, उसमें एडेनोइड जैसी प्रॉब्लम नाक की होती है। दूसरा, अगर एडल्ट में लेते हैं तो एडल्ट में ज्यादातर ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण नाक में ब्लीडिंग भी होती है, नाक में सांस प्रॉपर ना आना, बड़ों में देखा जाता होगा ब्लड प्रेशर के साथ, जुकाम के साथ, जुकाम के साथ इन्फर्टिलिटी का बढ़ना, और ओल्ड एज में नाक में कैंसर वगैरह की घटनाएं मिलती, मरीज भी मिलते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने हमें एज में डिवाइड करके इसको बताया कि एज में डिवाइड होकर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से चलता होगा? हाँ, ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से है। जैसे कि एपिस्टेक्सिस वगैरह में नाक में ब्लड के आने में हम बच्चों को प्रिकॉशन लेते हैं कि नाक में उंगली डालें, नाक की सफाई प्रॉपर रखें, नाक में जैसे कि हम गुनगुने पानी गरारे करें। जबकि मिडिल एज में हम ब्लड प्रेशर का ध्यान रखने की बात कहते हैं कि हम मिडिल एज में ब्लड प्रेशर का ध्यान दें, एलर्जी का कंट्रोल करें, अगर एलर्जी हो रही है तो एलर्जी कंट्रोल करें, जुकाम हो रहा है तो जुकाम को कंट्रोल करें। ओल्ड एज में जैसे नाक में सांस प्रॉपर नहीं आती है तो उसमें देखते हैं कि कोई ऐसी कैंसर है या कोई
ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर ऐसा ना हो। तो सर इन सारी प्रॉब्लम्स को माइनर में रखते हैं, एक तरह से मेजर भी हो सकती है, सब प्रॉब्लम मेजर है, मेजर है प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है कि जब नाक में से एक बूंद खून भी निकलता है तो मरीज में घबरा जाता है। जी बिल्कुल। और उसके लिए हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर डॉक्टर से मिलें और इलाज कराएं। अगर यहाँ पे जैसे कि जैसे देखा जाता है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हर चीज़ प्रोग्रेस ले रही है, उस हिसाब से इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी की क्या कुछ योगदान रहा है? नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी में पहले जब नाक से ब्लड आता था तो हम लोग उसे कन्वेंशनल तरीके से नेल पैक करते थे, लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एंडोस्कोप आ गए हैं जी, जिसे दूरबीन कहते हैं जी, बिल्कुल। उसके कारण हम छोटा सा ऑपरेशन करके उस नली को वहीं की वहीं ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग परमानेंट स्टॉप हो जाती है। पहले कन्वेंशनल तरीके से नाक में पैक पड़ा रहता था, 5-5 दिन के लिए, 6-6 दिन के लिए पड़ा रहता था, अब पैक डालने की जरूरत खत्म हो गई। टाइम भी कंसीव कर सकते हैं तरीके से। नहीं, पहले जब जमाने में क्या होता था, नाक में पैक डाल दिया, वो 6-6 दिन तक पड़ा रहा, मरीज परेशान रहता था, घर हॉस्पिटलाइज रहता था। आज मरीज ऑपरेशन करके आता है, आप एंडोस्कोप डालिए, ब्लीडर देखिए कहाँ से ब्लीडर है, उसे ब्लीडर को लाइगेट कीजिए, काम खत्म। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इस तरीके से आगे बढ़ी है, हर फील्ड में आगे बढ़ी है, उस तरीके से हमें भी उसकी काफ़ी सारी सुविधाएं हमें देखने को मिल रही है। दूरबीन विधि द्वारा आप उसका भी ट्रीटमेंट पा सकते हैं। सर अगर हम यह बात करते हैं, जिस तरीके से हमें अपने नाक के बारे में बताया उसमें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अगर हम कान की बात करते हैं तो हमें वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें कान में देखने को मिल जाती हैं? देखिए, कान में मेनली 5 प्रॉब्लम होती हैं, जो 5 सिम्टम्स 5 होते हैं। पहला होता है कि सुनाई कम देना जी, दूसरा होता है कान का बहना जी, तीसरा होता है चक्कर आना, पांचवा चौथा होता है कि कान में से झंझनाहट की आवाज़ आना, और पांचवा कान में दर्द होना। ये 5 सिम्टम मेन कान के होते हैं। जबकि हम देखें तो इन सब में एडवांसमेंट बहुत आ गई है। अब कान हम एक पहले मिस्टीरियस स्टोरी हुआ करता था, कान के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं हुआ करती थी। अब लगातार एंडोस्कोप आए हैं, माइक्रोस्कोप आए हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, इसके कारण हम किसी भी बीमारी का इलाज करने में सक्षम हैं। दूसरा, आज दिमाग में पहले जो कैंसर हुआ करते थे उसका ऑपरेट करने में दिमाग खोलना पड़ता था, पूरा सिर में चीरा लगाना पड़ता था, बाल कटवाने पड़ते थे और एक हड्डी, सिर की हड्डी को काट कर उसको निकाला जाता था जी। लेकिन आज की डेट में हम सारे ऑपरेशन नाक से और कान के रास्ते जाकर दिमाग को वहीं से हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एंडोस्कोप एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने हमें 5 चीज़ें बताई कि कान में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं सुनाई कम देना, वो किस वजह से हो सकता है आपको? सुनाई देने के 2-3 कारण हैं। देखिए, सुनाई देने का हम बेसिक स्ट्रक्चर समझाएं आपको कि सुनाई देने में हमारे कान का पर्दा होता है, वहाँ से रेज एक्सेप्ट होती हैं, उसके बाद कोकले में जाती हैं, कान के अंदर सुनाई की मशीन होती है उसमें जाती हैं, वहाँ से दिमाग में जाती हैं। अगर इसमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो सुनाई कम देगा, नंबर एक बात। जैसे हमारा बाहरी कान है, अगर मेल है, बैक्स है, कुछ और प्रॉब्लम है तो हमें सुनाई कम देगा। मतलब मेनली तो हमें यहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, साफ सफाई का कान। हाँ, कान में नॉर्मली हमारा बैक्स बनता है, बैक्स एक नेचुरल प्रोसेस है, वो बनता है। बनने के बाद जो लोग कान में लगातार उली डालते हैं, लगातार स्टिक से करते हैं, तो वहाँ वो बैक्स कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसके कारण बैक्स कलेक्ट होने के कारण भी सुनाई कम देता है। तो ये कान कम सुनाई देने, जैसे हम अगर सोते हैं एक करवट लेके, उससे भी कुछ असर पड़ता है हमारे कान पे? नहीं, कान का करवट लेने के सोने से मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जैसे कि आजकल मॉडर्न युग में जो ईयरफोन्स आ गए हैं, हाँ, जो मोबाइल आ गए हैं, ये लगातार यूज करने से, लाउड साउंड लगातार यूज करने से भी कान के पर्दे फर्क पड़ता है। हाँ, उसकी इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता होगा जिससे वो वीक हो जाती है। कान के इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, कान के पर्दे पर प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि मोबाइल के जमाने में हर आदमी ईयरफोन लेके कान में लगा घूमता है, तो उसमें लाउड साउंड जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे टकराती है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंजर्ड होती है, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो हमारी नर्व है वो भी डैमेज होती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जहाँ हम अपनी सुविधाओं के लिए कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कान पर भी प्रभाव डालता है, जिसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ठीक है, हमने कान में लीड लगा रहे, आराम से बातें हो रही, लेकिन काफ़ी देर तक उस चीज़ को प्रोसेस में लेना वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपने ये बताया कि कान में मतलब सुनाई कम देने का ये भी एक बीमारी हो सकती है, इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इसका इलाज की हम बात करें, तो वो किस तरीके का है? नहीं देखिए, इलाज तो बीमारी के संग चलता है। जैसा कि हम कहें कि अगर कान में बैक्स है तो हम बैक्स रिमूव करके इजीली हो सकता है, अगर टेम्परेचर में ख़राब है तो उसको रिप्लेस करके भी काम किया सकता है। उसके अलावा अगर हम जो कोकलिया है, जो सुनाई देने की मशीन है, अगर वो ख़राब होती है तो उसको रिप्लेस करने का भी अब वो आ गया है, कोकलिया इम्प्लांट कहते हैं। पहले ज़माने में इंडिया में कोकलिया होते नहीं थे, लेकिन अब रेगुलर होने लगे हैं, तो ये के कारण भी हम कोकलिया में न्यूरो ट्रांसमीटर लगा कर उसे हम भी वो सही कर सकते हैं कान को।
जी बिल्कुल, जैसा कि आज हमें आलोक मित्तल जी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके अगर कान में कोई समस्या है तो उसका आपको समाधान लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जरा भी देर की तो आपके लिए बहुत ज्यादा लापरवाही का कारण बन सकती है। अगर सर हम यह बात करते हैं, जैसा कि आप हमने बताया कि कम सुनाई देना एक कान की गंभीर मेजर समस्या हो सकती है, अगर हम कान के बहने की बात करें तो वो किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कराती है? देखिए, कान का बहने का मतलब होता है कान में इन्फेक्शन। अगर कान में इन्फेक्शन में क्या होता है कि बाहरी इन्फेक्शन या अंदरी इन्फेक्शन, अगर आपको जुकाम है तो जुकाम में भी कान का पर्दा डैमेज होके मवाद बाहर आने लगता है पहली बार। यदि हम कान में गंदगी पड़ी हुई है या कान में कान साफ नहीं है, वो भी बहने का बहुत बड़ा कारण है। तीसरी चीज होती है फंगस, कान में बरसात के दिनों में या मौसम चेंज के दिनों में जिनके कान गीले रहते हैं, जो ज़्यादातर कान को गीला रखते हैं, उसमें भी फंगस इन्फेक्शन होने के कारण कान बहने लगता है। कान उस जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कान का बहना भी इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो कान के बहने मेनली हमें सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कान को गीला नहीं रखना चाहिए, उसमें किस तरीके की गंदगी नहीं आने देनी चाहिए। हाँ नहीं, आपने सही कहा, कान में अगर कान बहता है तो सबसे पहले हमें कान में रुई लगा कर नहाना चाहिए। ओके। नहाते वक्त कान का जो बाहरी पानी है, साबुन है, वो कान में नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके बावजूद कान बह रहा है तो बाहर से तेल, धूल, मिट्टी, पानी, लोग पता नहीं क्या क्या, इसके पत्ता, उसका पत्ता जो कान में डालते हैं, वो भी कान को डैमेज करता है, वो नहीं डालना चाहिए। इवन देन तेल, तेल के जैसे एक मिसकंसेप्शन इंडिया बना हुआ है कि जो लोग कान के बहते हैं या कान में कोई भी दिक्कत है, वो तेल उठा के कान में डाल देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में तेल क्या कान में डाल दिया, उससे लगता है उनको आराम मिल जाएगा। जनरल बात मैं कहना चाहूंगा कि आप तेल की एक बूंद अपने घर की रसोई में कहीं भी डाल दीजिए, और जब आप 15 दिन बाद उसे देखेंगे तो पूरा सारे घर की मिट्टी को वो कलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से कान में जो तेल हम डालते हैं फिर उसके बाद साफ नहीं करते हैं। नॉर्मली कान का में जो तेल डालने से क्या होता है कि कान का बैक्स है, जो हार्ड बैक्स है, वो सॉल्व हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन वो जो बैग तेल है वो अपने आप में भी कलेक्टर है, वो बाहर से जितनी धूल मिट्टी है सबको कलेक्ट करके एक हार्ड बैक्स बना देता है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमें आलोक मित्तल जी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कह सकते हैं, नॉर्मली हम घरों में यही देखा करते हैं कि जरा भी अगर कान में दर्द होता है हम नॉर्मली यही चीज़ लेते हैं, सरसों के तेल को थोड़ा गर्म करते हैं और कान में डाल देते हैं, उससे हमें ये लगता है कहीं ना कहीं हमें आराम मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है कि अगर आप वहाँ पे अपना सफाई का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखते हैं। तो जिस तरीके से आपने हमें बताया कि कान बहने की भी एक समस्या है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दूसरी समस्या की कि कान में कभी कभी बच्चे हुए बड़ों अजीब सी झंझनाहट होने लगती है, वो किस वजह से होती है? देखिए, कान में जो झंझनाहट होती है उसके बच्चों का, बड़ों का, दोनों का अलग अलग कारण है। ओके। नॉर्मली जब कान ब्लॉक हो जाता है, नॉर्मली जब बचपन में आप खेलती हैं या खेले होंगे तो कान में हम ग्लास लगा लेते हैं, जब ग्लास लगा लेते हैं साउंड का एक प्रेशर बनता है, इसके कारण झंझनाहट होती है। तो बच्चों में तो अगर कान में बैक्स है या मिडिल ईयर में पानी भरा हुआ है तो झंझनाहट होती है, लेकिन ओल्ड एज में जब हम न्यूरो जो हमारी नर्व है, जो कान की नर्व है, जो सुनाई की जाँच ले सुनाई ले आती है, उसमें अगर कहीं कमी आती है तो वो भी झंझनाहट कम होती है। तो झंझनाहट ओल्ड एज में अगर कम सुनाई देने के साथ भी झंझनाहट कॉमन होती है। तो सर अगर ये प्रॉब्लम समय हो जाती है तो उसका हम कैसे समाधान कैसे पा सकते? देखिए, इसके पहले हमें डॉक्टर उस अच्छे चिकित्सक से मिलने की सलाह करनी चाहिए, सलाह करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो कॉज है पहले कॉज खत्म करेंगे तभी उसका आराम मिल पाएगा। काफ़ी सारा ये भी देखा जाता है कि अगर सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में देखा जाता है तो बारिश में अगर कभी हम भीग जाते हो तो अजीब सा हमारे दर्द होने लगता है कानों में, वो क्या दर्द में कानों में दर्द होना वो इसी वजह से है या उसके और भी कुछ सिम्टम्स हैं? नहीं, बरसात में कानों को भीगना उमस के कारण जो कान में बैक्स होता है, जो कान में मैल होता है, वो फूल जाता है और कान में गीलापन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े धोती हैं या कपड़ों में हाथ पानी में हाथ पड़ा रहता है तो आधे घंटे में आपकी जो उंगलियां हैं वो सब गल जाती हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह से जब कान में बैक्स है और बैक्स भी गीला है तो उसके आसपास की खाल गलने लग जाती है, जब खाल गलने लग जाती है तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जब वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो कान में पेन करेगा, और कान में इन्फेक्शन उसी वजह से होता है, कान में गीले होने की वजह से। तो नॉर्मली हमें बरसात के दिनों में कानों को प्रॉपर ड्राई रखना चाहिए, कान हमारी एक नेचुरल वो है, उसको अगर ड्राई रखेंगे तो कान कभी खराब नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि आज हम अपने खास प्रोग्राम सी हेल्थ में बात करें डॉक्टर आलोक मित्तल जी से, जो कि एक ENT स्पेशलिस्ट